हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हूं। तुम आज का वीडियो लेके गाइस आज कमेंट जोड़ जो पोल में, और तुमने देख ही लिया होगा भाई कितनी सारी स्कोर्स आ रही हैं और एक बंदा हमारे वाली क्रेडिट्स पे जा रहा है। तो भाई जल्दी से उतरते हैं, गन वाले लूटते हैं और फिर निपटाते हैं बंदों को। अरे नीचे मैं कैसे गिर तो बंदा पता नहीं यहाँ पे क्या करने आया था, बेचारे को यहाँ पे निपटा देता हूँ मैं इजीली। तो मेरे ध्यान भाई दूसरे वाले बंदे पर, इस बंदे का मेरे को नहीं पता था कुछ भी। तो इन बंदों को निपटा देते हैं हम यहाँ पे और फिर चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि बहुत तगड़ी फायरिंग चल रही थी भाई यहाँ पे। तो हम इधर की तरफ जा रहे थे लेकिन एक बंदे का फुटस्टेप्स आते हैं तो फिर निपटाते हैं इसे। तो ये बंदा शायद लो था, हीलिंग वगैरह कर रहा था, कहीं से पिट विट का आया होगा ये, तो इसको निपटा देते हैं हम यहाँ पे। और सामने की तरफ एक बंदा शॉटगन चला रहा था पता नहीं किसी पे, तो भाई चलते हैं उसकी तरफ। तो पीछे से एक बंदा M16 भी चला रहा था, तो हमने सोचा यार बाद में देखेंगे इसे, पहले आगे वालों को निपटाते जरा। तो मैं यहाँ के टीपी भी लेने लगता हूँ लेकिन भाई साइड में एक बंदा आ जाता, पता नहीं कब से कैंप कर रहा होगा। तो सामने की तरफ से भाई फुटस्टेप्स आ रहे थे, कोई बंदा मतलब रश करने के फुल मूड में हम पे। और यहाँ पे मेरे को अपने टीममेट को भी रिवाइव करना है, तो गाइस पहले क्या करूँगा, मैं इजीली अपनी हेल्थ करूँगा, क्योंकि अगर उन्होंने रश भी करा तो कम से कम मैं कैंसिल करके मतलब मार तो लूंगा कम से कम, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती बहुत बड़े वाली। तो मैं यहाँ पे इसे रिवाइव करता हूँ, ये बंदा भाग कर रहा है, फ्री फायर देकर मतलब जल्दी से फिनिश करता हूँ। मैं गोली पे दबाया था बटन, फिर भी गोली नहीं चल रही थी, मेरे को सिर्फ गोली भी था। M16 वाला जिंदा है ना अभी, उधर मार दिया। अरे तो गोली चला रहा था वो, आप मारे नहीं। तो M16 वाला बंदा भाई तंग करने लगा था हमें, तो भाई उसको भी निपटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट को भेजूंगा और यहाँ से उसे कवर फायर दूंगा, जिससे कि अगर वो झाके तो मैं उसे कवर फायर दे पाऊँ। तो भाई यही तुम्हें करना है भाई, कि कवर फायर दो अगर तुम्हारा बंदा कहीं पर रश कर रहा हो, नहीं तो सामने वाला तुम्हारे टीममेट को इजीली टेक डाउन कर लेगा, टीवी प्लेयर है क्योंकि। तो ये बंदा फुल मूड में था मेरे को मारने के लिए, लेकिन मैं इसे डैमेज देता हूँ हल्की सी और फिर रश करते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस बंदे के बग्गी ने इसे धोखा दे दिया, तो निपटा देता हूँ यहाँ पे इसे भी। तो भाई मिलिट्री में भैया फ्लेयर चली थी, तो भाई जाना तो पड़ेगा क्योंकि किल्स भी चाहिए और लूट भी चाहिए अच्छी खासी। तो हम जा ही रहे थे ब्रिज की तरफ लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे दिखते हैं, तो भाई निपटाते हैं इन्हें भी। तो यहाँ पे हम जा रहे थे फ्लेयर की तरफ लेकिन साइड में से फुटस्टेप्स आते हैं और साइड में एक बंदा भी दिख जाता है मेरे को, लेकिन अभी इसे मारेंगे नहीं हम यहाँ पे, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती है, क्या पता ये स्प्रेड होकर रखे उसके और बंदे सांप बन रहे हो। तो पहले थोड़ा देखेंगे आसपास। तो हम यहाँ पे ऐसे ही राउंड मार रहे थे लेकिन भाई कोई कार 98 का शॉट देने की कोशिश करता है हमें, तो भाई निपटाते हैं उसे भी। पीछे था,
तो यहाँ मेरे टीममेट ने उस बंदे को सपोर्ट कर लिया, मैंने नहीं देखा था, तो हम वापस चलते हैं उसे मारने के लिए। तो हमें BRDM भी मंगाया कुछ बंदों ने, तो भाई चलते हैं उनकी तरफ। तो सी बिल्डिंग वाले बंदा जो था उसका हम ध्यान रख रहे थे, और यहाँ पे कुछ बंदों के फुटस्टेप्स भी आने लगे, वो हम पे रश कर रहे हैं। और यहाँ पे भैया हमारे टीममेट ने यहाँ पे गाड़ी ठोक दी बुरी तरह। तो यहाँ पे मजे में लूट रहे थे, लेकिन मैं शानदार को एक बंदा नोक कर देता है, पता नहीं सांप बन रहा था कहीं पे, तो उसकी लोकेशन तो शानदार ने देख ली थी जब वो उसे मार रहा था। तो भाई चलते हैं उसकी तरफ। तो पहले मैं रिवाइव नहीं करूंगा उस बंदे को, मारूंगा नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती, क्या पता वो बंदा रैंक है कहीं और चला जाता, फिर दिखता भी नहीं हमें। और फिर अपने टीममेट पे थोड़ा स्मोक करूंगा, और जब रिवाइव करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन में कोई भी मार सकता है, मतलब क्या पता कोई 7 स्टेट पर चढ़ कर बैठा हो। तो कहीं जहाँ पे एयर ड्रॉप आ चुकी थी, तो भाई लूटने का मन कर रहा था, वैसी बात है, तो भाई लूटते जल्दी से। लेकिन पीछे से बग्गी रश कर देती है एक, तो भाई निपटाते उन्हें भी। तो यहाँ पे मैंने सोचा था मेरे टीममेट मेरे साथ में मारेगा बंदे को, लेकिन वो हल्के से लेट हो गया यहाँ पे। तो सामने स्कोर हाउस में गाड़ी खड़ी थी, तो हम चलते हैं भाई चेक करने के लिए। तो वो बंदे हम पे रश करने लगते हैं, फुटस्टेप्स आ रहे थे। तो यहाँ पे यार वो स्कोर हाउस में से मेरे को बंदा मार रहा था, और बालकनी में से मार रहा होगा या फिर वो सीढ़ी वाली जो खिड़की होती है वहां से। तो मेरे को नहीं पता यार यहाँ तक एंगल कैसे मिल गया उसे, मैं बिल्कुल मतलब एज पे था, मतलब दीवार की, पता नहीं कैसे मिला एंगल जो भी था। तो यहाँ पे पहले रिवाइव करना पड़ेगा। तो अगर ऐसे कभी फंसो तो भाई सीढ़ियों पे हमेशा मोली डाल दिया करो, जैसे कि तुम्हें हल्का सा टाइम मिल जाए रिवाइव वगैरह होने का। और यहाँ पे वो बंदे दूसरी साइड से नेट फेंकने लगते हैं, तो मैं दूसरी साइड आके बैठ जाता हूँ, जिससे कि वहाँ पे हीलिंग वगैरह कर लूँ, और फिर देखता हूँ उन बंदों को। तो यहाँ पे एक बंदे को तो मैं पूरा खा जाता हूँ, फिर ऊपर चढ़ जाता हूँ छत पे, जिससे कि भैया और अच्छा एंगल मिले मेरे को, और फिर निपटाते हैं बंदों को। तो इसका जो टीममेट होता है वो इसे बचाने के लिए आता है, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी कि भाई ऊपर में आ गया, उसे नहीं पता था मैं ऊपर हूँ, तो भाई निपटा देता हूँ उसे इजीली। और लास्ट वाला बंदा भाई भागने लगता है, जिसको मेरा टीममेट ही खा जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और एयरड्रॉप भी थी, हमें ऐसे चेकआउट करने आता है कि क्या पता लास्ट वाला बंदा यहाँ पे हो, क्योंकि लास्ट वाला बंदे को ढूंढना तुम्हें पता है कितना मुश्किल है। तो हमारी गाड़ी का पेट्रोल कम था यहाँ पे, तो भाई गाड़ी बदलते हैं पहले। लेकिन बंदा सामने घर में कैंप कर रहा था, हमने सोचा यार अभी घुमाना पड़ेगा, जब जाकर बंदा मिलेगा तो भाई कर देते हैं इसे भी खत्म। तो भाई यही था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो मेरे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।